हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पोएम द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग मीन्स जो सांप है वो ट्राई करते हुए, प्रयास करते हुए, एक सर्प का, एक सांप का जो प्रयास है वो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू बताया गया है। तो प्रयास कौन सा, कि उसने किस प्रकार से वो अपने आप को ह्यूमन बीइंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। देखो लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक्स ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। कि मोस्ट ऑफ अस मतलब हम में से जो अधिकतर लोग हैं वो सांप को किस रूप में देखते हैं, एज फियरसम। फियरसम मतलब एकदम भयानक रूप, एक भयानक सिंबल के रूप में, भयानक प्रतीक किसका, मृत्यु का। कि मृत्यु के एक डरावने प्रतीक के रूप में हम सांप को सोचते हैं। अधिकतर जो लोग हैं वो सांप को किस रूप में सोचते हैं, कि वो मृत्यु का प्रतीक है। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ ए विक्टिम। लेकिन जो स्नेक है वो खुद इस पोएम के अंदर क्या है, विक्टिम है, एक उत्पीड़ित है, जिसको कि अब पीड़ित किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। और ये जो पोएम है वो लिखी गई है WWE रोज के द्वारा। ये इसका देखो पोएट नेम है, वो यहाँ पे दिखाया गया है WWE रोज। तो इतनी छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी ये पोएम है, छोटी सी सर्प के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया है कि कैसे एक सांप है जो मतलब बहुत ही बुरी स्थिति से निकलता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखो द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सुइंग स्टिक। द स्नेक ट्राइंग कि स्नेक है वो ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है टू एस्केप बचने की। द पर्सुइंग मतलब पीछा करती हुई जो स्टिक है, छड़ी है, डंडा है, लाठी है, तो पीछा करती हुई लाठी से सांप है वो बचने का प्रयास कर रहा है। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी कि अपने जो स्नेक है वो अपनी पतली, अपनी जो लॉन्ग बॉडी है, पतला और उसका जो लंबा शरीर है, अचानक से उसमें जो कर्विंग मतलब जो मोड़ होता है, जो घुमाव होता है, आपको पता है कि सांप जब चलता है तो इस तरीके से घुमावदार स्थिति में चलता है, तो ये कर्विंग होती है। तो जो स्नेक है, जो सांप है, वो पीछा करती हुई जो लाठी है, पर्सुइंग स्टिक मतलब पीछा करती हुई लाठी से अपने लंबे पतले शरीर की, अपने घुमावदार लंबे पतले शरीर के साथ में, अचानक से मुड़ने वाले अपने लंबे पतले शरीर के साथ में वो पीछा करती हुई लाठी से जो स्नेक है वो बचने की कोशिश कर रहा है, वहां से बचकर भागने की वो कोशिश कर रहा है। सांप की बॉडी आपको पता है पतली होती है, लंबी होती है, और उसमें कर्विंग होती है, तो अपनी पतली लंबी कर्विंग बॉडी के साथ में, अपनी पतली लंबी घुमावदार शरीर के साथ में वो पीछा करती हुई लाठी से सांप है वो बचने का प्रयास कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर दी आर हिज शेप्स कि उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है, उस स्नेक का जो शेप है, आकार है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, कितना ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल मतलब बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर, प्रभावशाली, मनोहारी। तो ये जो उसका शेप है, उस स्नेक का जो शेप है, जो कर्विंग है, तो वो शेप कितना सुंदर है, कितना ग्रेसफुल है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन देखो लास्ट में दे रखा है, तो एकदम सरप्राइजिंग वे में वो बोलता है कि सांप देखो कितना सुंदर है। मीन्स पोएट स्नेक के थ्रू हमें बता रहा है कि हर एक चीज को आप पॉजिटिव होकर के देखना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं धारण करनी चाहिए। अब माना जाता है कि सांप है वो मृत्यु का चिन्ह है, सांप है वो किसी को काट लेता है, जान से मार देता है, स्नेक से डर लगता है, तो कोई भी स्नेक को अच्छा नहीं मानता है, वो एक बुराई के रूप में उसको लेते हैं। लेकिन पोएट क्या कर रहा है, उस बुराई में भी वो अच्छाई को ढूंढ रहा है, स्नेक को वो सुंदर बता रहा है, ग्रेसफुल बता रहा है। मतलब हमें भी अपने लाइफ में जो चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको भी हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। जब तक हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कोई भी अगला है वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी जीव जंतु हो, अगर हम उसको छेड़ते हैं, अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ही वो हमें नुकसान पहुंचाता है, ऐसे नहीं पहुंचाएगा कोई भी। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक कि वो उस स्ट्रोक से, वो जो स्ट्रोक है, जो चोट है, जो मार है लाठी की जो उसके ऊपर गिर रही थी, तो उस स्ट्रोक से, वो उस मार से वो वाटर के थ्रू, वाटर के माध्यम से ग्लाइड करते हुए, ग्लाइड मतलब होता है फिसलना, उस पानी में से तैर करके फिसलता हुआ वो उस स्ट्रोक से बच करके वो भाग जाता है, वहां से दूर चला जाता है। अवे मीन्स दूर हो जाना। तो ही ग्लाइड थ्रू द वाटर की वो वाटर के अंदर फिसलता हुआ उस स्ट्रोक से, उस चोट से, उस प्रहार से वो दूर चला जाता है स्नेक, क्योंकि स्नेक है वो पानी में भी तैर सकता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट कि ओ कि अरे लेट हिम गो, उसको जाने दो, ओवर द वाटर, वाटर में से होते हुए, पानी में से होते हुए, कहाँ पे, इनटू द रीड्स, रीड्स के अंदर। रीड्स एक मतलब सरकंडे होते हैं, जैसे एक सीधे से थोड़ा सा जो दलदली सा एरिया होता है, डंडे के टाइप में, एक लट्ठे के टाइप में खड़े होने वाले एक पौधा है ये रीड्स।
तो रीड्स के अंदर टू हाइड छिपने के लिए विदाउट हर्ट, बिना हर्ट किए हुए, बिना मार खाए हुए, बिना चोट पहुंचाए हुए। तो ये जो पोएट है रोस, ये बोलता है कि उसको बिना चोट खाए हुए सरकंडों में छुपने के लिए पानी के ऊपर से जाने दो, मतलब पानी के अंदर से जब वो निकल रहा है तो उसको आप जाने दो और उसको बिना चोट पहुंचाए हुए रीड्स के अंदर उसको छुपने दो, उन सरकंडों के अंदर छुपने के लिए उसको जाने दो, उस स्नेक को। मीन्स उसको नुकसान मत पहुंचाओ, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो वो भी बदले में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, कि स्मॉल एंड ग्रीन, ये जो स्नेक है वो स्मॉल मतलब छोटा स्नेक है, बड़ा स्नेक नहीं है, एंड ग्रीन, और वो ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। ही इज हार्मलेस, वो हार्मलेस है मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, वो बहुत ही सुरक्षित है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहां किसको, इवन टू चिल्ड्रन, की यहाँ तक कि वो बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो छोटा है, वो ग्रीन कलर का स्नेक है, वो हरे रंग का सांप है, वो यहाँ तक कि बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप उसको जाने दो, उस स्नेक को यहाँ से गुजर जाने दो। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही वैनिशेज इन द रिपर्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। तो देखो, अलोंग द सैंड मतलब सैंड की, सैंड होती है रेत, तो रेत के ऊपर मतलब रेत के ऊपर स्नेक है, वो गिरा रहता है, पड़ा रहता है। ही ले मतलब वो पड़ा रहता है, अंटिल ऑब्जर्व कि जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, जब तक उसका निरीक्षण नहीं किया जाए, जब तक इसको कोई देखता नहीं है। एंड चेस्ड अवे, चेस्ड अवे मतलब उसका चेस होता है पीछा करना, और अवे मतलब दूर भगाना, तो चेस्ड अवे मतलब किसी का पीछा करके भगा देना। तो अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे कि जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जब तक उसको देखा नहीं जाता है, उसका निरीक्षण नहीं किया जाता, जब तक उसका पीछा करके उसको भगाया नहीं जाता है, तब तक वो जो स्नेक होता है वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर पड़ा रहता है। मतलब नॉर्मली अगर जब तक हम उसको नहीं देखते हैं तो वो पड़ा रहता है आराम से, लेकिन जैसे हम उसको देखते हैं, उसको भगाते हैं, तब तो वो भागेगा। तो जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जब तक उसका पीछा करके भगाया नहीं जाता, तब तक वो रेत के ऊपर पड़ा रहता है। एंड नाउ ही वेनिशेज इन द रिपर्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। एंड नाउ, और अब क्या है, ही वेनिशेज वो गायब हो गया है इन द रिपर्स मतलब इन द रिपर्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, कि जो ग्रीन स्लिम जो रीड्स हैं, मतलब जो हरे रंग की जो पतले पतले जो रीड्स हैं, जो सरकंडे हैं उनके बीच में, उनकी रिपर्स मतलब उनकी लहरों में, उनके बीच जो लहरें, उन लहरों के अंदर वेनिश होता है, गायब होना, कि अब वो हरे पतले जो सरकंडे हैं उनके बीच की लहरों के अंदर वो गायब हो गया है, वो स्नेक चला गया है। मीन्स पोइट यहाँ पे बता रहा है कि एक स्नेक है, वो रेत के ऊपर पड़ा हुआ है, और किसी ने उसको देख लिया और लाठी से उसका पीछा करा उसको मारने के लिए। तब पोइट बोलता है कि आप उसको जाने दो, हो सकता है उसने ऐसा दृश्य देखा होगा, एक छोटा सा हरे रंग का सांप है जो कि रेत के ऊपर पड़ा हुआ है, और कोई अचानक से वहां आता है और उसको देख लेता है स्नेक को पड़े हुए, तो अब वो लाठी से उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, वो पानी के थ्रू होता हुआ सरकंडों के अंदर छिपने की कोशिश कर रहा है। तब वो उन लोगों को बोल रहा है कि ये बहुत ही छोटा सा जीव है, हम जब तक जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें जो छोटे छोटे जो जीव हैं, खास करके स्नेक के लिए इसमें बोला है कि स्नेक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कितनी छोटे से, कितनी इजी से, बहुत शानदार पोएम है। आई होप आपको समझ में आई है, अच्छी भी लगी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्नेक की बॉडी कैसी है, स्नेक की बॉडी के बारे में बताना है। वो स्नेक की बॉडी जैसे पास्ट में थी वैसी ही आज है और वैसी ही फ्यूचर में होगी। तो स्नेक की बॉडी कैसी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।